नमो नमः। मैं संतोष कुमार द्विवेदी कक्षा छठवीं संस्कृत रुचिरा का पहला भाग का पहला पाठ अर्थात प्रथमा पाठ शब्द परिचय लेकर आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ। शब्द परिचय यहाँ क्या है, ये है चस्का। क्या है चस्का? चस्का इत्युक्ते किं भवति? चस्का मतलब क्या होता है? गिलास। गिलास चस्का मतलब होता है गिलास। ऐसा कहा, ऐसा चस कहा, ऐसा कहा, ऐसा मतलब यह है, कहा मतलब क्या है, ऐसा कहा यह क्या है, ऐसा चस कहा यह गिलास है। ऐसा मतलब यह है, चस्का मतलब गिलास है। ऐसा कहा यह क्या है, ऐसा चस्का यह गिलास है। किम ऐसा बृहत, किम मतलब क्या होता है, किम इत्युक्ते किम भवति, किम इत्युक्ते इत्युक्ते मीन्स मतलब एक ही होता है ना, इत्युक्ते संस्कृत में इत्युक्ते, हिंदी में मतलब और अंग्रेजी में मीन्स, समझ रहे हो ना? तो किम इत्युक्ते किम भवति, किम इत्युक्ते क्या, किम ऐसा बृहत, क्या ऐसा यह है बृहत बड़ा है, क्या यह बड़ा है, ना ऐसा ना मतलब नहीं, ऐसा यह है लघु मतलब छोटा है। ऐसा कहा यह गिलास है, ऐसा कहा यह क्या है, ऐसा चस्का यह गिलास है। किम ऐसा बृहद, क्या यह बड़ा है, ना नहीं, ऐसा लघु यह छोटा है, समझ गए? अब अगला सह कहा। सह इत्युक्ते सह का मतलब क्या होता है, वह, सह पुलिंग के लिए वह होता है, और स स्त्रीलिंग के लिए वह होता है, और तत् नपुंसक लिंग के लिए वह होता है। तो सह कहा वह कौन है, ऐसा और सह, ऐसा का मतलब यह है पास के लिए, पास के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, यह है मतलब ऐसा, और सह मतलब वह है, मतलब वह दूर के लिए, दूर के लिए सह और पास के लिए ऐसा। जैसे यहां था ऐसा कहा यह चस्का है, तो गिलास यहां से नजदीक था ना, अब यहां सह कहा, अब यहां जो दर्जी है ये इससे थोड़ा दूर है कि नहीं है, थोड़ा दूर है ना, तो सह कहा, सह कहा वह कौन है, सह सोच कहा, सह कहा वह कौन है, सह सोच कहा, सोच का मतलब होता है कपड़े सिलने वाला मतलब दर्जी। सह कहा सह सोच कहा वह दर्जी है। सोच कहा किम करोति, सोच कहा यानी दर्जी किम करोति क्या करता है, सिलता है, लेकिन किम सह खेलती, किम क्या सह वह खेलती खेलता है, क्या वह खेलता है, ना नहीं, सह वस्त्रम सीव्यति, सह वह वस्त्रम सीव्यति यानी कपड़े सिल रहा है। आ गई बात समझ में? अब आगे बढ़ते हैं, अब ये अगला देखिए, एतौ कौ, एतौ अब देखो ऐसा पास के लिए ऐसा यह है, और दूर के लिए सह वह है, अगर जो हमसे दूर है हम उनको क्या बोलेंगे, सह बोलेंगे संस्कृत में, हिंदी में क्या बोलेंगे, वह बोलेंगे,
और जो पास है उनको हम क्या बोलेंगे, यह है, हिंदी में यह बोलेंगे और संस्कृत में ऐसा। आई बात समझ में, ऐसा एक वचन के लिए था। यहां देखो, यहां गिलास भी एक था एक वचन के लिए, और यहां दर्जी भी एक है तो एक वचन के लिए। अब यहां दो हैं, कितने हैं, दो हैं। तो इनको सुनकौ, सुनक, सुनक मतलब क्या होता है, कुत्ता होता है, कुकरा मतलब भी कुत्ता होता है, सुहाना मतलब भी कुत्ता होता है, ठीक है। अब ये कितने हैं, दो हैं। तो दूर के लिए तौ, दूर के लिए क्या बोलेंगे, तौ मतलब वे दो। अब पास में ए लगा दें क्या हो जाएगा, ए तौ, पास में क्या हो जाएगा, ए तौ मतलब ये दोनों, तौ वे दोनों और ए तौ ये दोनों। आ रही बात समझ में। अब देखिए ए, अब इसका प्रश्न चिन्ह क्या बनेगा, जैसे एक वचन के लिए कहा, एक वचन के लिए कहा, जैसे सह कहा, वह कौन, ए सह कहा, यह कौन। अब इसमें आ जाएगा कऊ, एक टीम का रूप होता है कहा कऊ के, कहा एक वचन में, कऊ दो वचन में, और के बहुवचन में, प्रश्न चिन्ह है ना ये। तो ए तऊ कऊ, ए तऊ मतलब ये दोनों, कऊ कौन है, ए तऊ कऊ ये दोनों कौन है। तो ए तऊ सुन कऊ, ए तऊ सुन कऊ इस्तह। अब इस्तह में क्या आया, इस्तह मतलब है, अस धातु है, धातु समझते हो, धातु जैसे पाठ पढ़ने का पाठ है, हास लिख है, लिख मतलब लिखना होता है, हास मतलब हंसना, पाठ मतलब पढ़ना, चल धातु चल मतलब चलना, धाप मतलब दौड़ना, है ना। तो इसी तरह का ये अस है, लट लकार का है अस, अस का क्या चलता है, अस्ति स्तः संति। तो ये हो गया ए तऊ इस्तह, दो वचन में दो है तो दो वचन का उपयोग किया यहां, ए तऊ सुन कऊ इस्तह, ए तऊ मतलब ये दोनों, सुन कऊ मतलब दो कुत्ते इस्तह हैं, यहां दो कुत्ते, ये दोनों दो कुत्ते हैं, है ना। अब किम एतौ गर्जतः, किम क्या, एतौ ये दोनों गर्जतः गरजते हैं, क्या ये दोनों गरजते हैं, कुत्ता गरजता है क्या, भौंकता है ना, गरजता कौन है, सिंह, सिंह गरजति, शेर गरजता है और कुत्ता नहीं गरजता। किम एतौ गरज, किम एतौ गरजतः, क्या ये दोनों गरजते हैं, ना लिखा ना, ना नहीं, एतौ उच्चई बुक कहता हा, एतौ ये दोनों उच्चई जोर जोर से बुक कहता हा भोंकते हैं, ये दोनों जोर जोर से भोंकते हैं। अब यहां दो बैल हैं, तौ वे दूर, दूर के लिए, ये दूर है ना, देखिए पास के लिए एतौ का उपयोग किया गया। अब ये थोड़ा दूर है कि नहीं है, चित्र में दूर है ना, तो तौ कऊ, तौ वे दोनों, कऊ कौन है, वे दो कौन है, तौ वली बरदऊ इस्तह, तौ यानी तौ वली बरदऊ इस्तह, ये दोनों बैल इस्तह हैं, ये दोनों बैल हैं। किम तौ धावतः, किम क्या, तौ वे दोनों धावतः दौड़ते हैं, ना नहीं, तौ क्षेत्रम करसतः, तौ क्षेत्रम करसतः नहीं, वे दोनों खेत, क्षेत्रम मतलब होता है खेत को, करसतः जोतते हैं, नहीं वो दोनों खेत को जोतते हैं। अब देखिए इधर स्यूत मतलब होता है बैग,
स्यूत मतलब क्या होता है? बैग। यहाँ कितने बैग हैं? एक दो त्रयः चत्वारः, चार बैग हैं। तो सह एक बचन के दूर के लिए, सह एक के लिए, दो के लिए तौ, और तीन के लिए क्या हो जाएगा? ते के, ते यानी वे स के क्या है? एते, एते स्यूताः सन्ति। एते मतलब ये सब, ते मतलब वे सब, और एते मतलब होता है ये सब। इतना समझ में आ रहा है? इतना आ रहा है ना? हाँ बस ऐसे ही आ है। एते ये सब स्यूताः, स्यूताः मतलब बैग। कितने बैग हैं? बहुत सारे बैग हैं। तीन से ज्यादा होंगे तो बहुवचन, एक वचन दो वचन बहुवचन, समझते हो? हाँ, एक के लिए एक वचन, दो के लिए दो वचन, अब तीन से ज्यादा हो तो बहुवचन। तो यहां बहुवचन है। एते स्यूताः सन्ति, ये सब बैग हैं। किम एते हरित वर्णाः, क्या ये हरे वर्ण के हैं? किम क्या, एते मतलब ये सब हरित वर्णाः हरे रंग के हैं? ये निकल नहीं, नहीं। एते नील वर्णाः सन्ति, एते ये सब नील वर्णाः, नील वर्ण मतलब नीला, नीला कलर का सन्ति है, ये सब नीले कलर के हैं। ठीक, अब ते के वे कौन हैं? यहां से दूर है ना ते के, यहां एते होना चाहिए, यहां ते जो है ना एते टेस्ट के, वे कौन है स्यूत वाले में, तो एते क्योंकि स्यूत यहां बैग जो है यहां से करीब है ना, लेकिन यहां ते लिखा है, एते यहां होना चाहिए क्योंकि यहां नीचे एते है, अब नजदीक भी है और ये यहां से इसकी दूरी है, तो यहां क्या हुआ ते। भाई जो हिंदी में क्या कहते हैं, जो पास होते हैं उनको क्या बोलेंगे? यह बोलते हैं। अब जो दूर होते हैं उनको क्या बोलते हैं? वह बोलते हैं। आई बात समझ में? हाँ, तो ते सह तऊ ते, ये ते तीन लोगों के लिए ते कहो, तीन इतने ज्यादा लोग हैं तो उनको ते बोलते हैं। ते मतलब वे सब, ते वे सब के कौन हैं? वे सब कौन हैं? इधर देखिए कौन है ये? ते वृद्धाः सन्ति, वे सब वृद्ध हैं। किम ते गायन्ति, किम क्या ते वे सब गायन्ति गा रहे हैं, क्या वे सब गा रहे हैं? नहीं, ते हसन्ति, वे सब हंस रहे हैं। इनका चेहरा देखिए, ये हंस रहे नहीं हंस रहे हैं, है ना, लग रहा हंसते हुए। अब ये शब्दार्थ है, इनका शब्दार्थ आप पढ़ेंगे, और शब्दार्थ जब पढ़ेंगे आप फिर से जब इसका रिवीजन करेंगे तो आपको अच्छे से और भी अच्छे समझ में आ जाएगा, है ना। ये देखिए इधर भी शब्दार्थ है। अब आइए अभ्यास में, उच्चारण करिए। छात्र, बोलिए एक साथ, एक छात्र के लिए छात्र मतलब होता है छात्र। गजह घटह, फिर शिक्षक के लिए एक साथ बोलिए, ये मकरह दीपकह मयूरह विड़ालह अश्वः सुकः मूषकः चंद्रः बालकः चालकः गायकः। इनका मतलब जानते हो? छात्र इत्युक्ते, छात्र का मतलब छात्र, विद्यार्थी क्या बोलते हैं? छात्र। गजः मतलब गज, किसको बोलते हैं? हाथी। घटः मतलब है घोड़ा। सुका मतलब क्या होता है? तोता, सुआ, हाँ सुआ बोलते हैं तोता। मूसका मतलब मूस, चूहा। चंद्रह चंद्र, चंद्रमा चंद्रमा। बालकः बालक। चालकः चालक मतलब गाड़ी चलाने वाला, चालक कहलाता ना, ड्राइवर। गायकः गायक।
अब आगे बढ़ते हैं, चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत। चित्राणि चित्रों को दृष्ट्वा देखकर पदानि पदों का जो पद लिखे हैं उच्चार्यत उनको उच्चारित करिए। चित्र देखिए, बोलिए एक साथ, पहला क्या है? कृषि, कहा, जिसका मतलब किसान। फिर दूसरे में क्या है? वृष, भाहा, विश्वा मतलब भल्लू, कहा, मंडू, कहा, मेढा, कपोतहा, पर्यंकहा, पर्यंका मतलब पलंग, दूरभाषहा, टेलीफोन, का मतलब कौवा, सोची, कहा, दर्जी। अब देखिए, वर्ण संयोजन पदम लिखत। वर्ण संयोजन करके पद लिखना है, मतलब ये वर्ण जो हैं ये सब अलग अलग हैं, समझ रहे हैं? ये जो वर्ण हैं सब अलग अलग हैं, अब इनको सबको जोड़कर आपको यहां लिखना है। संयोजन करना मतलब क्या होता है? जोड़ना। तो जैसे एक उदाहरण दिया है ना, देखिए समझिए, यथा। यथा मतलब क्या होता है? जैसे, हिंदी में उदाहरण यथा, जैसे, यथा मतलब जैसे, ठीक है। जैसे चा के नीचे हलंत है, चा हलंत प्लस आ प्लस शा, शा है ना खटकोड़ वाला सा है, हलंत है, प्लस आ प्लस का प्लस आहा। आ के बाद दो विसर्ग है, जो विसर्ग होता है संस्कृत में उसको हम क्या पढ़ते हैं? हा पढ़ते हैं। जैसे देखिए, आपका चा सा का और ये हा, च से कहा, क्या हो गया? च से कहा। अब यहां देखिए, सा में औ जुड़े क्या हो जाएगा? सौ प्लस चा, च में ई जुड़ेगा छोटी, जुड़े क्या हो जाएगा? ची। और का में छोटा छोटा आ और विसर्ग रेप क्या हो जाएगा? कहा, क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा इधर? सौची, कहा। सौच का मतलब दर्जी, समझ में आ रहा है? हा, अब देखिए, सा धन उ बराबर क्या हो गया? सु, क्या हो गया? सु धन ना धन आ मतलब ना, और का प्लस औ कौ, तो क्या हो गया? सुन कौ, सुन कौ, सुन कौ, सुन कौ मतलब क्या होता है? मतलब दो कुत्ते, सुनक मतलब कुत्ता होता है ना, दो कुत्ते हो गया सुन कौ। अब धा आ बराबर बड़ा धा हुआ, हो गया ना बड़ा धा। फिर वा में छोटा आ है, क्या हो गया? छोटा वा। पिता में आ है तो ता हो जाएगा पूरा ता, और विसर्ग हो जाएगा तो क्या हो गया? धाव तहा, धावता मतलब दौड़ रहा है, दौड़ रहे हैं दो, ठीक है, धावता। अब देखिए, अब इसको संयोजन करिए, वा धन ऋषि, वा धन ऋषि धन दा धन धा धन आह, इसका क्या हो जाएगा? हाँ, वा और ऋषि की मात्रा किधर? ऐसे इसमें जुड़ जाएगा ऋषि की मात्रा, टांग टूट जाता है नीचे ना, तो क्या होगा? जैसे वृक्ष है ना, वृक्ष में वृ होता है, इसे क्या हो जाएगा? वृद्ध, और धा प्लस आ प्लस है बड़ा आ है प्लस विसर्ग है, क्या हो गया? वृद्धा। आप लोग पहले ही बता दिए थे, है ना, सबको समझ में आ गया। अब देखिए, गा धन आ धन या, गा धन आ बराबर क्या हो गया? बड़ा गा, गा हो गया ना, प्लस या में आ जुड़ा क्या हो गया? या छोटा या। फिर ना, ना धन ता धन ई, तो इसका क्या हो जाएगा? हाँ, गायन ती,
गायंती। ठीक है, अब देखिए पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत, इन्हें पदानाम पदों का वर्ण विच्छेदन करें। जो पद है ना, जैसे अभी हम क्या किए हैं, इसके पहले वर्णों को जो अलग अलग थे उनको हम संयोजन किए हैं, उनको जोड़े हैं। अब अगले में क्या करेंगे, उनको जो जुड़े हुए हैं उनको हमको अलग अलग करना है। आ गई बात समझ में? चलिए ठीक है, करते हैं। जैसे लघु में क्या करेंगे, जो उदाहरण दिया ना, ला धन आ बराबर बड़ा ला, ला हुआ पूरा, पूरा ला हुआ छोटा ला, प्लस घा धन उह, तो घा धन उ बराबर उक मात्रा जाएगी इधर, प्लस विसर्ग, तो क्या हो गया लघु। ठीक, ये उदाहरण भी दिया है। अब देखिए सी व्यतीत क्या करेंगे, साधन बड़ी ई, बड़ी ई धन, वा धन, या आ रही है, वा में आ नहीं है तब ना आधा है, या धन छोटा आ धन, ता सब में हलंत रहेगा। ठीक है, ता धन छोटी ई, क्या हो गया सी व्यति। अब वर्णा में क्या करेंगे, छोटा वा मतलब वाक नीचे हलंत रहेगा, वा धन छोटा आ धन अड़ा धन बड़ा आ धन विसर्ग। ठीक है, तो क्या हुआ ये वर्णा। अब इधर देखिए कुकरऊ में क्या क्या करेंगे, का धन कौन सा वो है, छोटा कि बड़ा, छोटा ऊ है तो छोटा ऊ धन, फिर छोटा का है ना, तो का धन का के बाद जो छोटा का है उसके बाद छोटा आ नहीं आएगा, आ नहीं आएगा। ठीक है, फिर धन का धन छोटा ऊ है ना, छोटा ऊ धन रा धन औ, तो क्या हो गया कुक कराओ। मयूरा हम क्या करेंगे, मां धन आ, फिर क्या आएगा या धन ऊ बड़ा ऊ है ना, बड़ा ऊ धन रा धन बड़ा आ बड़ा, हाँ बड़ा नहीं दिख रहा है, छोटा रा कहां देखो तो, बड़ा आ धन, फिर क्या है विसर्ग, ये क्या है विसर्ग कहलाता है ना, विसर्ग, तो क्या हो गया मयूराहा, क्या लिखा है मयूराहा। अब देखिए बालक का वर्ण विच्छेद करिए, विच्छेद करिए, बा धन बड़ा आ धन ला धन बड़ा छोटा, छोटा है बड़ा कहां है, ला में कौन सा आ है, छोटा है ना, छोटा आ धन का धन आ धन विसर्ग, वही उसी को हम आहा बोलते हैं, क्या बोलते हैं आहा, क्या हो गया बाल कहा। अब अगले में क्या देखना है, ये चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत, चित्र देखकर संस्कृत पद लिखिए। अभी हमने पढ़ा ना हाथी क्या बोलते हैं, गजहा। अब ये क्या है संस्कृत पद बोलना है, संस्कृत में क्या है बोलते हैं इसको, काकहा, कौवे को संस्कृत बोलते हैं काकहा। और ये क्या है चंद्रहा। हा, अब आगे बढ़ते हैं, ये क्या है तालहा, क्या है ताला मतलब ताला, ये क्या है भल्लू कहा, भालू को संस्कृत बोलते हैं भल्लू, भल्लू कहा भा आधा ला और बड़ा लू का में विसर्ग भल्लू कहा। फिर इधर क्या है विड़ालहा, क्या है ये
विड़ाला मतलब बिल्ली है ना, विड़ाला है यहाँ। अब ये चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखा, चित्र देखकर उत्तर लिखना है। यथा जैसे, एक उदाहरण हमको बता रहा है ना, उदाहरण से हम समझ जाएंगे। जैसे यथा जैसे बालक किम करोति, बालक बालक किम का मतलब क्या, करोति मतलब करता है, बालक किम करोति बालक क्या करता है, बालक पठति, देख रहे हैं ना, बालक किम करोति बालक पठति, बालक पढ़ रहा है। अब देखिए अश्व दो अश्व हैं, दो घोड़े हैं ना, तो अश्व अश्व अश्वाह अश्व अश्व मतलब दो घोड़े, किम कुरता हा? क्या करते हैं, तो अश्व धावतः क्या हो जाएगा, धावतः धाव धातु होगा, धावतः दो घोड़े दौड़ रहे हैं। कुक्कर किम कुर्वन्ती, कुक्कर किम कुर्वन्ती, कुक्कर किम कुर्वन्ती, चित्रम दृष्ट्वा चित्र देखकर बताइए, कुक्राह बहुत सारे कुत्ते हैं, तीन या तीन से अधिक जब होते हैं ना तो उनको हम किस में रखते हैं, बहुवचन में रखते हैं, कुक्राह स्थास्यन्ति, यानी कुत्ते जो हैं तो खड़े हैं, स्थिर हैं, है ना, कुक्राह बुक्कता है ना, भोंकते भी नहीं है, कि बुक्कताह बुक्कता बुक्कता मतलब क्या होता है, भोंकना, तो बुक्कताह बहुवचन प्रयोग होगा, बुक्ताह कुत्ते भोंकते हैं, पर क्या भोंक रहे हैं, दिख रहा है चित्र में, नहीं भोंक रहे हैं, है ना, स्थास्यन्ति कुक्राह स्थास्यन्ति। अब देखिए छात्रौ ने दो छात्र, देखिए दो छात्र हैं तो यहां छात्रौ लगा दो वचन में, दो के लिए छात्रौ, छात्रौ ने दो छात्र किम कुरतः क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं, खड़े हैं, तो छात्रौ स्थास्यतः है ना, दो छात्र खड़े हैं। बृषवः किम करोति, बृषवः मतलब बैल, ये जो दो बैल हैं ये क्या कर रहे हैं, बृषवः कर्षतः, बृषवः कर्षतः यानी दो बैल, तो इसमें बृषभौ हो जाएगा, बैठो बैठो, बृषभौ हो जाएगा, बृषभौ कर्षतः ये दो बैल जोत रहे हैं, है ना, खेत जोत रहे हैं। फिर गजऊ, दो गज हैं तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा गजऊ, गजऊ किम कुरता हा? गजऊ चलता हा, इन दोनों हाथी चल रहे हैं। अब पदानि संयोज वाक्यानि रचयत, दो पद हैं इनको जोड़ी मिलाना है ना, जैसे गजाह चलंती, सिंहौ गर्जतः शेर गरजता है ना, गायकः गायति, बालकौ पठतः, मयूराः नृत्यन्ति, ठीक है। और इधर देखिए मंजूषातः पदम चित्तोदित स्थानानि पूर्यत, मंजूषातः यानी पेटी से, ये पेटिका है ना, इससे पदों को चुनकर खाली स्थान की पूर्ति करना है, जैसे मयूराः नृत्यन्ति, ठीक, यहां भरेंगे नृत्यन्ति, और गजऊ गर्जतः, नहीं गजऊ गर्जतः ना, सिंघा गर्जतः, गजऊ क्या करते हैं, गजऊ हाँ चलता होगा, यहां क्या होगा, चलता होगा, ये चलता। अब दीक्षाह दीक्षाह फलंती, हाँ समझ में आ रहा है। अब सिंघऊ गर्जतः, सिंघऊ गरजतः ने शेर गरजता है, शेर गरज, दो शेर गरजते हैं। अब वानरः
खादति ने बंदर खा रहा है, अश्वहा धावति इन्हें घोड़ा दौड़ रहा है। ठीक है, अब देखिए आगे, सह तौ ते, सह एक एक व्यक्ति के लिए क्या होता है सह, जैसे सह बालक, सह राम वह राम है, वह बालक है, सह छात्र वह छात्र है, सह शिक्षक वह शिक्षक है ना, शिक्षक है बोलेंगे, है नहीं बोलेंगे, ठीक है। देखो है जोड़ेंगे तो बहुवचन का सूचक होता है, संस्कृत में सह शिक्षक कहेंगे, लेकिन जब हिंदी में कहेंगे वह शिक्षक है, तो क्या ये हमारा सही कहलाएगा, नहीं कहलाएगा, शिक्षक है ये सम्मान सूचक है। लेकिन हिंदी में क्या हो जाता है, अगर है बोलेंगे तो बहुवचन की गणना करते हैं ना, है में, और तौ मतलब वे दोनों, तौ दो लोगों के लिए क्या बोलते हैं, तौ मतलब वे दोनों, ते मतलब वे सब, ते का मतलब क्या होता है वे सब, इत्येतेभ्य उचितम, इति इसका विच्छेद करें, इति धन एतेभ्य उचितम सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यात, इनमें से ये जो है ना सह तौ ते, इनमें से आपको चुनना है एक वचन, एक व्यक्ति के लिए सह लगता है, दो व्यक्ति के लिए जहां दो है वहां तौ, और जहां तीन है या तीन से ज्यादा है वहां ते। जैसे देखिए अश्वह, अश्वह एक है ना, अगर दो होते तो औ का मात्रा जुड़ा होता घोड़े में, जुड़ा होता ना, लेकिन अश्वह एक है तो अश्वह धावति, तो यहां क्या हो गया सह धावति, वह दौड़ रहा है, ये अश्वह हो गया संज्ञा, संज्ञा समझते हो, किसी संज्ञा की परिभाषा बताइए, किसी व्यक्ति स्थान या संज्ञा कहते हैं, और सर्वनाम किसे कहते हैं, नहीं संज्ञा की विशेषता नहीं, वो तो विशेषण कहलाएगा, मतलब संज्ञा के स्थान पर जिनका प्रयोग नहीं किया जाता उसको सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम किसी का नाम ना लें सीधे सीधे, उसको हम सर्वनाम, जैसे यह है इसका, उसका है ना, वह है, तुम्हारा, मेरा, ये सब क्या है सर्वनाम है। ठीक, तो देखिए ये जो अश्वह है ये संज्ञा है, और जो सह है ये सर्वनाम है। ठीक, आई बात समझ में। अब देखिए यहां से, जैसे गजाह बहुवचन हुआ ना, गजाह चलंती ने हाथी, बहुत सारे हाथी चल रहे हैं, तो यहां हम क्या लगाएंगे ते लगाएंगे। गुड, कौन बताया, खड़े हो जाओ, बढ़िया है, समझ में आ रहा बेटा, चलिए ठीक। अब देखिए यहां क्या हो जाएगा, ते चलंती यानी वे चल रहे हैं, यहां संज्ञा था यहां सर्वनाम हो गया, आई बात समझ में। अब बताइएगा आगे, छात्रौ पठतः, छात्रों में कितने छात्र, दो छात्र हैं, इन्हें दो छात्र पठतः पढ़ रहे हैं, दो छात्र पढ़ रहे हैं, तो यहां पास क्या हो जाएगा, तौ पठतः वे दोनों पढ़ रहे हैं। ठीक, अब देखिए वानराह बहुवचन है कि एक वचन है, बहुवचन है, अगर एक वचन है तो क्या होता, वानराह होता, यहां बहुवचन, वानराह क्रीडंती बंदर खेल रहे हैं, तो यहां पास क्या करेंगे, ये है ना ते क्रीडंती, वे सब खेल रहे हैं, नहीं वे सब बंदर खेल रहे हैं। अब देखिए गायकः गायति, गायकः गायति, गायकः एक वचन है दो वचन है, एक वचन है, तो हम इसको कहां लगाएंगे, सह गायति वह गा रहा है, मतलब वह गायक गा रहा है, अब गायक तो है नहीं, मतलब वह गा रहा है, एक में गायक गा बोल रहे हैं, गायक गायति, गायक गाता है, एक में सह गायति वह गा रहा है, जो गाता है उसको हम गायक ही बोलते हैं ना,
लेकिन सर्वनाम उसका हो गया। अब देखिए मयूराह एक वचन है बहुवचन है? बहुवचन है। मयूराह नृत्यंती, तो यहां हम क्या लिखेंगे? ते नृत्यंती, वे सब नाच रहे हैं। ये आपका समाप्त हुआ। अब देखिए आपका धातव्यम, ध्यान रखने योग्य बातें जो हम इस पाठ में पढ़े हैं ना, इस पाठ में हमें क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा ये हमको दिया है। संस्कृते त्रीणि लिंगानि भवन्ति, संस्कृत में कितने लिंग होते हैं? तीन लिंग होते हैं। कौन कौन से? स्त्रीलिंग, पुलिंग और नपुंसक लिंग। तो अभी हम जो पढ़े हैं ना ये सब पुलिंग वाले पढ़े हैं, पुलिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग होते हैं। ठीक। अब देखिए ख नंबर, संस्कृते त्रयः पुरुषाः भवन्ति, संस्कृत में तीन पुरुष होते हैं। कौन कौन से पुरुष होते हैं बताइए तो? मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ये तीन पुरुष होते हैं। पुरुष मतलब ये सब्जेक्ट कर्ता कहलाते हैं, है ना। अब देखिए जब आगे पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा। ठीक है, ये कर्ता क्या है समझ रहे हो? कर्ता, कर्म अभी ना जानते होगे, आगे हम पढ़ेंगे, है ना, सब समझ में आएगा। अब देखिए संस्कृत त्रीणि वचनानि भवन्ति, कति वचनानि भवन्ति? त्रीणि वचनानि। संस्कृत में तीन वचन होते हैं, कितने वचन होते हैं? कौन कौन से? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक व्यक्ति के लिए एक वचन, दो लोगों के लिए दो वचन का उपयोग करते हैं, और बहुत तीन या तीन से ज्यादा हो जाते हैं तो उनके लिए हम कितने वचन का उपयोग करते हैं? बहुवचन का उपयोग।